देखती आंखों सुनते कानों को आपके मेजबान आशिर रहमान का सलाम। व्यूअर्स कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज राव मुख्तियार अहमद से कराएंगे और उनसे पूछेंगे उनकी जिंदगी के दिलचस्प हालात और वाकयात, और साथ में उनसे करेंगे फिश फार्मिंग के हवाले से अहम सवाल। आप डेली इन्फॉर्मेशन आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जनरली हर इंस्टीट्यूट का एक मोटिव होता है अपने स्टूडेंट के लिए इंटर टू लर्न लीड टू सर्व, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम किस इंस्टीट्यूट से हासिल की। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इब्तदाई तालीम की बात है, मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जला 1997 में मैट्रिक यहाँ से की। उस टाइम में जो हमारे टीचर्स थे, अभी भी माशाल्लाह कुछ मौजूद हैं, जैसे मलक सईद साहब, इसी तरह से राना पुस्तार साहब, अलाम को जन्म सीखा, जमीर साहब रिटायर हो गए, तो ये हमारे टीचर्स थे, अल्ताब साहब। उसके बाद एफ एस सी के लिए मैंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ऑफ मुल्तान से किया और ये हमारा सेशन था 2000। बी एस सी मैंने गवर्नमेंट एस सी कॉलेज पावरपुर से की है और उसके बाद में से गौरव जी के लिए मैंने एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट। तो एम एस सी के बाद फिर मैंने एम फिल में एडमिशन लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम मेरी जॉब हो गई थी पुलिस में। अच्छा, वहाँ पे खासे टफ किस्म की सिचुएशन होती थी लड़की के बारे से। तो अब इसको आज आप लोग आए हैं, फिर मेरे ख्याल से आज मुझे लिस्टिंग दी है, तो 2021 में दोबारा फिर इरादा किया एम फिल में, तो आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा एडमिशन की। किसी भी स्टूडेंट की शख्सियत को निखारने के लिए उसकी जिंदगी में उस्ताद का सबसे बड़ा रोल होता है। जी सर, आपकी शख्सियत को निखारने और आपको इस मुकाम तक लाने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी शख्सियत है? देखें, अगर जहाँ तक टीचर्स की बात की है तो सारे ही टीचर्स हमारे उनका हमारी लाइफ के लिए है, चाहे वो स्कूल के थे, चाहे कॉलेज के थे, और चाहे यूनिवर्सिटी के थे। और पर्टिकुलरली मैं स्कूल में देखता हूँ तो हमारे टीचर्स जो हमारे रोल मौजूद थे या उनमें से कुछ अभी पुरानी सारे ही हमारे रोल थे। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है तो डॉक्टर नईमन साहब और डॉक्टर मुस्कान साहब मेरे फेवरेट भी थे। और सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आप एवरेज स्टूडेंट थे या दोस्त? जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एफएससी तक भी मैं और बी एस सी और एम एस सी के अंदर ये था कि मैं क्लास के पहले 3 क्लास की मिल चुकी हूँ, एक था रिजल्ट के वाले से भी और सारे अच्छी थी। सर, आप पंजाब पुलिस में भी खिदमत अंजाम देते रहे, आपके गवर्नमेंट टीचर भी भर्ती रहे और अब आप माशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हैं, इस वक्त की देरी आप पर इतना मेहरबान कैसे है, इसके पीछे क्या रहा है? अब इसको मैं अगर एनालाइज करूँ तो मुझे दो चीज़ें नजर आती हैं। पहली बात यह है कि आप एक चीज़ गोल सेट करके उसके पीछे आप कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए पहला आपके पास एक स्टेप है, दूसरा जो है वालदैन की दुआ। ये दो चीज़ें किसी भी बंदे की लाइफ में हैं तो किसी भी इम्तिहान के अंदर या किसी भी सिलसिले में वो नाकाम नहीं हो सकता, कामयाबी उसी का कामयाबी उसको मिलती है। और मेरे ख्याल में ये दो चीज़ों पर मैंने थोड़ी कोशिश भी की है और अल्लाह का करम इस पर जानू। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम जरा फिश फार्मिंग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि फिश फार्मिंग के हवाले से कौन से इलाके ज़्यादा मौजूद हैं? देखिए, अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, हम प्रेफर करते हैं ऐसे इलाके जहाँ एग्रीकल्चर ना हो, एग्रीकल्चर ना हो, अनयूजफुल रिसोर्सेज को यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना। ठीक है सर। तो पहली चीज़ तो ऐसे इलाके जहाँ पे ज़मीन बेकार पड़ी है, वो हमारी प्रेफरेंस होती है फिशरीज के हवाले से। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि अब उसमें हमने देखना क्या होता है, उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं वहाँ की मिट्टी के एनालिसिस और पानी का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। और लकीली पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कास्ट लैब्स मौजूद है हमारे डिपार्टमेंट की, बहावलपुर के अंदर लैब है, मियांचंद के अंदर है, फैसलाबाद है, जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम एक अपनी सजेशन देते हैं कि आपकी मिट्टी और जो पानी है ये इस काबिल है। देखिए, जहाँ तक पहली बात है इंग्रेडिएंट्स की, फिश की जो फीड करते हैं हम उसको, पहला हमारा पैरामीटर होता है प्रोटीन। आपका जब वो फिश सील होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कुछ और होती है, जब आपने बड़ी मछली पाली होती है उसकी फिश की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कुछ होती है। पीड की तीन किस्में, उसमें एक सिंकिंग पीड है,
दूसरी जो है इसमें पैलेट है और तीसरी प्रोटीन है, तो मुख्य प्राइवेट कंपनीज में या फैक्ट्रीज में जो तैयार करती रहती है तो आपको भी तैयार कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको गाइडलाइन भी देते हैं फार्मूले के हवाले से और फिर वो डिपार्टमेंट के हवाले से। सर अगर हम अन्य की तरफ आएँ तो छोटे पैमाने पर फिर फार्मिंग करके हम कैसे सर्वाइवल कमा सकते हैं? ज़रिए मोहम्मद, पहली बात तो अशद साहब मैंने जो आपको की कि आप जब ऐसी ज़मीन चूज़ करते हैं जो आपको कुछ नहीं दे रही होती, वहाँ पर अगर आप मछली फार्म बना के पैसे कमा लें तो ये इसका मतलब है कि आपने अनयूज़ रिसोर्स को यूज़ रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो है जहाँ तक अन्य की बात है, बहुत अच्छा शोबा है, इसको आप बड़े स्केल पर कर सकते हैं और छोटे स्केल पर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है आप, और दूसरी बात इसकी मार्केट का भी कोई मसला नहीं है। इसी तरह से डिपार्टमेंट आपकी चीज़ आपको गाइडलाइन पर या खास टेक्निकल और एडवाइजरी सर्विस को हर टाइम आपको प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आप अगर इसको आप इसको एज ए प्रोफेशन या एज ए बिजनेस भी आप करना चाहें तो आप इसमें से पर है ना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर कोई शख्स अपना फिश फार्म बनाना चाहता है तो आपके द्वारा आप उसे कैसे सेट करते हैं? जी अगर तो पहली बात तो है कि मुकम्मल एडवाइजरी सर्विसेज हमारे डिपार्टमेंट से देते हैं, हमारे डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करते हैं फिश फार्मर्स को, जिन लोगों को टेक्निकल तौर पर हम उनको सॉल्व करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इस तरह जो हम सीट प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट वो भी सब्सिडी रेट पर देते हैं। और चौथा जो है कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो सब्सिडी वाले हैं जिसमें आप एप्लीकेशन लेके अगर आप उसकी क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ सैलरी दी जाती है। जब हम बढ़ते हैं अपने आपके प्रश्न की ओर, अब हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट फिश फार्मिंग को डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या होता है? हाँ जी, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर अपनी बार्टर स्कैम की हुई है जो आपको फ्री सर्विसेज देती हैं एनालिसिस के वाले से, तो वहाँ पे टेक्निकल अमला मुतमिन किया हुआ है जो एट डोर स्टेप जाकर आपकी प्रॉब्लम्स को हल करता है। तीसरा जो है अभी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर जैसे आप लोगों ने देखी हुई होगी बायोफ्लाग है, IPRS है, ये केज कल्चर है, ये भी डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करा रहा है ताकि इससे फिश प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिल सके। सर अब आप ना हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे ताजिर भाई हैं उनके लिए कोई जी पैगाम देना चाहें? हाँ, उसमें यह है कि भाई मैं एज ए फिशरीज डिपार्टमेंट उसमें चूँकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस फिश फार्मिंग के हवाले से थोड़ा सा पढ़ें, जिसे हमारे डिपार्टमेंट के साथ रबते में रहें और इस प्रोफेशन को छोटे स्केल के ऊपर या बड़े स्केल के ऊपर अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप इससे मुनाफा भी कमाएंगे और आपको एक सेहतमंद जो है ये बिजनेस भी आपको मिलेगा।